रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। चेहरा को धोने से पहले रखें इन बातों का ख्याल, वरना जल्द ही पड़ सकती हैं झुर्रियां। मुंबई, शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षित करने वाला भाग हमारा चेहरा बहुत ही ज्यादा नाजुक होता है। अगर हम सही तरीके से अपने चेहरे का ध्यान नहीं रखते हैं तो उस पर बहुत जल्द ही झुर्रियां पड़ने लगती हैं। इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि अपने चेहरे को कैसे धोना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि चेहरे को तो सभी बड़े आसानी से धो लेते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि हम लोग अक्सर चेहरे को सही तरीके से नहीं धोते हैं, जिससे हमारी स्किन पर बुढ़ापा पहले ही नजर आने लगता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि चेहरों को धोते वक्त आप किस तरह की गलतियां करते हैं और किस तरह से उससे बच सकते हैं। गर्म पानी से चेहरा धोना। कुछ लोग गर्म पानी से अपने चेहरे को धोते हैं, जो हमारे चेहरे के लिए अच्छा नहीं होता है। गर्म पानी से चेहरा धोने से त्वचा के जल्दी खराब होने की पूरी गुंजाइश होती है। गर्म पानी त्वचा को रूखा बना देता है। इसके साथ ही ऐसा कई दिनों तक करने से स्किन पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं। इसलिए आपको हमेशा अपने चेहरे को गुनगुने या फिर ठंडे पानी से ही धोना चाहिए। किसी भी साबुन का इस्तेमाल, अक्सर हम जब अपने चेहरे को धोने जाते हैं तो किसी भी तरह के साबुन का यूज कर लेते हैं। ऐसे किसी भी साबुन से चेहरे को धोना आपके चेहरे को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि साबुन हमारी त्वचा को सख्त बना देता है और त्वचा मुरझाई हुई दिखने लगती है। इसलिए हमेशा अपनी त्वचा के हिसाब से फेस वॉश लें और उसी से चेहरे को साफ करें। चेहरे की मालिश। जब भी हम चेहरे को धोते हैं तो ज्यादातर समय हम उसकी मालिश नीचे की ओर से करते हैं। आपको बता दूं कि नीचे की तरफ करने मालिश करने से त्वचा लटकने लगती है, इसलिए आगे से चाहे आप चेहरा धुल रहे हों, स्क्रब कर रहे हों या फिर क्रीम क्यों न लगा रहे हों, मालिश के लिए उंगलियां हमेशा ऊपर की तरफ घुमाएं। सोने से पहले चेहरा धुले। चेहरे को धुलने से लेकर मालिश तक के सारे तरीके आपने जान लिए, लेकिन इन सब चीजों के अलावा भी कभी कभी आपके चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं। इसकी वजह से चेहरे पर जमा धूल। जी हाँ, सोने से पहले हम चेहरा धोना भूल जाते हैं, जिससे दिन भर की गंदगी धूल त्वचा के छेदों को बंद कर देती है और त्वचा सांस नहीं ले पाती है। इसलिए सोने से पहले चेहरे को धुलना ना भूलें।